हाय एवरीवन, हर हर महादेव। एज यू नो, चारों तरफ चल रहा है एग्जाम्स का माहौल, डेट इज़ एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ स्ट्रेस। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ एक ऐसा एग्जाम रूटीन जिसको फॉलो करने से आपके एग्जाम्स भी धमाकेदार जाएंगे, एज वेल एज सम एग्जाम ट्रिक्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट ड्यूरिंग दिस एग्जाम टाइम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एग्जाम डेज के टाइम आप सभी की नींद पूरी होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, और उठने के बाद सबसे पहले अपने बालों को बांधना है जिससे आपके बाल आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, आपके फेस पे ना आए। सबसे पहले या तो कोई बन बना लीजिए या फिर ऐसे ही चोटी बना लीजिए। फिर अच्छे से ठंडे से पानी से अपनी आंखों पे छपके मारिए, अपनी नींद उड़ाइए और खुद को रेडी कर लीजिए अपने दिन के लिए। सुबह उठते ही कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाना मैं आप सभी को सजेस्ट नहीं करूंगी, इसलिए आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आफ्टर फेस वॉश यू मस्ट ड्रिंक हॉट वाटर, बिकॉज ड्रिंकिंग हॉट वाटर कैन हेल्प यू स्टे हाइड्रेटेड एंड इट मे ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव योर डाइजेशन, रिलीव स्ट्रेस एंड हेल्प यू फील वार्मर। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सुबह उठते ही आपको पढ़ने नहीं बैठ जाना है, आपको थोड़ा टाइम खुद को भी देना है, मेडिटेशन करनी है जिससे आप सभी के वो थॉट्स जा सके दिमाग से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले गर्म पानी लेके आराम से किसी शांत जगह में नेचर के पास बैठ जाइए और यहाँ पर मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मेडिटेशन कैन गिव यू अ सेंस ऑफ काम, पीस एंड बैलेंस डैट कैन बेनिफिट यूर इमोशनल वेलबींग एंड यूर ओवरऑल हेल्थ। मेडिटेशन करने के बाद जो आपका गर्म पानी का गिलास है उसको आराम से सिप सिप करके पीजिए एंड फिर पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। फिर आपको अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनानी है, बिकॉज टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, इट हेल्प्स यू रिमेंबर योर टास्क एंड प्रायोरिटीज, इट गिव्स अ सेंस ऑफ बींग प्रोडक्टिव एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टे ऑर्गेनाइज, सो नेवर फॉरगेट टू मेक टू डू लिस्ट। टू लिस्ट बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चुपचाप से आके अपनी टेबल पे बैठ जाइए या फिर अपने सेपरेट रूम में जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और घर वाले जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते हो, जहाँ पे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने ऐसे रूम में बैठ जाइए। एंड सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो आप देखिए, आप कोई भी बुक कर रहे हैं तो उससे पहले उसका इंडेक्स देखिए और देखिए उसमें क्या क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है और आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको उन चीज़ों को करना है जो आपको आती है, उन चीज़ों को पक्का करना है, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम उन चीज़ों को करने लग जाते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती है, और जिससे जो हमें आती है हम वो भी भूल जाते हैं। इसलिए जो सबसे पहले आपको आता है वो करना है, और आपको प्रीवियस ईयर्स वाले तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं। आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर देखना है और वहाँ से देखना है कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको उस चैप्टर को कितना टाइम देना है। ये सभी देखने के बाद आप देखिए आप सबको कौन कौन सा आता है, और आपको जो भी आता है उसको करने के लिए बैठ जाइए और फिर देखिए कि PYQs में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। इस तरीके से आप एनालाइजिस करते चलिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 45 या 1 आवर के बाद आपको ब्रेक लेना है 5-10 मिनट्स का, बिकॉज टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स कैन एक्चुअली हेल्प यू टू बी मोर प्रोडक्टिव देन वर्किंग विदाउट स्टॉपिंग। इफेक्टिव ब्रेक्स कैन हेल्प टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल सो डेट यू आर रेडी टू रीफोकस व्हेन यू रिटर्न टू योर स्टडी। ब्रेक्स में आप अपने छोटे मोटे काम कीजिए जैसे खाना खाना, नहाना धोना, एंड एक बात बिल्कुल याद रखना कि आपको पढ़ते टाइम बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ पहनने हैं जिससे आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप आराम से पढ़ सकें। और आपको अपना पूरा ध्यान देना है, जैसे पेट भर के खाना खाना, बीच बीच में पानी पीना, वरना अगर आप पूरा दिन पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, हम क्या करें, हमारे टेंशन होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे टीचर बच्चों को समझाता है वैसे आपको खुद को हाथ हिला हिला के
एक्सप्रेशन कर करके समझाना है कि हिमांशु ऐसे हो जाएगा खुद का नाम ले लेके, इससे क्या होगा उन एक्सप्रेशंस के साथ आपको सब कुछ रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा आपको ये मोमेंट याद आएगी और आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते इस मोमेंट में और आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको पढ़ते टाइम एक बार तो अपने लिए चाय बना के पीनी ही चाहिए, चाहे आप चाय लीजिए चाहे आप कॉफ़ी लीजिए, बिकॉज ड्रिंकिंग टी वाइल स्टडिंग कैन हेल्प इंप्रूव मेमोरी एंड रिटेंशन एज वेल एज इनहेंस फोकस एंड कंसंट्रेशन। यू मस्ट टेक शावर इन योर एग्जाम डेज। हमारे यहाँ तो ये बात चलती रहती है कि अगर हम नहाएंगे तो हमारा पढ़ा हुआ सारा धुल जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आप अपने आसपास जितनी सफाई रखोगे, आप खुद को जितना साफ रखोगे, उतना आपके ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में लगेगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। एंड ये सभी काम आपको अपने ब्रेक्स में करने हैं, कि अलग से टाइम निकाले और ब्रेक्स अलग से लीजिए तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए 5 से 10 मिनट का और उसमें अपने अपने काम करते चलिए। एंड सबसे मेन चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, लाइक फ़ोन को अपने से दूर रखे, टेलीविज़न को अपने से दूर रखे, लैपटॉप को अपने से दूर रखे। अगर आप एक बार टेलीविज़न देखने चले जाएंगे, आप एक बार मूवी देखने चले जाएंगे तो आपका मन करेगा कि मैं बाद में ही पढ़ूंगा, अभी तो मैं मूवी देख लेता हूँ। इससे अच्छा है टाइम आप स्पेंड कीजिए मेडिटेशन करने में, थोड़ी देर बाहर नेचर में बैठ जाइए, चाय बना लीजिए, थोड़ी देर ऊपर छत पर घूम के आ जाइए, ये सभी काम करने में अपना टाइम लगाइए, ना कि आप फ़ोन यूज़ करने में इन चीज़ों में, क्योंकि अगर एक बार स्क्रोलिंग चैटिंग करने लग जाते तो फिर दिन कैसे चला गया पता ही नहीं लगता। एंड इस टाइम पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ग्रुप में बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप में बैठ गए तो समझो गप्पे ही गप्पे लगेंगे, पढ़ाई तो होने से रही। तो आपको बिल्कुल सेल्फ स्टडी करनी है, और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक ही सोल्यूशन, आप बार बार कीजिए उस चीज़ को, जितना आप रिपीट करेंगे आपको वो चीज़ उतनी क्लियर होती चलेगी। You must take power naps while studying because a power nap will refresh the body and brain, heighten alertness and promote a positive frame of mind. This in turn will improve concentration and attitudes to study. आप जब भी दिन में रात में जब भी सोए कोशिश करें कि उससे पहले मेडिटेशन करके सोए, जिससे आपको नींद भी जल्दी आएगी और आपके सारे थॉट्स जो आपको परेशान करने वाले वो आपके निकल जाएंगे दिमाग से, एंड आपने जो भी पूरा दिन पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और उठने के बाद अपने बिस्तर को ठीक कर दीजिए, जिससे इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी आलस ना आए, एंड फिर जल्दी से अपनी टेबल पे बैठ और फिर दिमाग में रखिए कि आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना है और फिर पढ़ने जुट जाइए। एंड एग्जाम डेज में आपको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज ना कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीजें आती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपका पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल हट जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया को यूज मत कीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि आप घर के उस कोने में बैठे जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से आती हो, क्योंकि अगर किसी अंधेरे कमरे में आप बैठेंगे तो आपको बोरियत होने लग जाएगी और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। You must spend time in nature because natural environments are proven to reduce our stress level and blood pressure. Being in nature or even viewing scenes of nature reduces anger, fear and stress and increases pleasant feeling. तो अब टाइम है अपनी वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरा एग्जाम रूटीन अच्छा लगा हो और एग्जाम टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।